स्टूडेंट्स आप आईपीसी का बेयर एक्ट ले लें, नोटबुक ले लें, पेन ले लें, हेडफोन लगा के वीडियो सुने, और आज हम आईपीसी की सेक्शन 40 जहां पर ऑफेंस अपराध वर्ड को डिफाइन किया गया है, मैं आज बताऊंगा बड़े ही सिंपल एंड साधारण शब्दों में बताऊंगा, और आज के बाद जब भी आप सेक्शन 40 पढ़ेंगे कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेक्शन 40 से रिलेटेड आईपीसी में जितनी भी आगे और सेक्शंस आप पढ़ेंगे तो उनका मीनिंग बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। सेक्शन 40 आईपीसी जहां पे अपराध की डेफिनेशन दी गई है, जब आप बेयर एक्ट खोल के देखेंगे तो वहां पे 3 पैराग्राफ लिखे गए हैं, उनको नंबर नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी उनको क्लॉज वर्ड यूज किया गया है कि उसमें 3 क्लॉज होंगे। तो पहले हम क्लॉज 2 एंड क्लॉज 3 पढ़ेंगे, उसके बाद क्लॉज 1 पढ़ेंगे। इसी सीक्वेंस में आप पढ़ें तो आपको सेक्शन 40 ऑफेंस वर्ड की डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जब क्लॉज 2 आप देखेंगे तो वहां पर 2 चैप्टर्स के नाम लिखे हैं, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5A ऑफ आईपीसी, और आईपीसी की कुछ सेक्शंस और साथ में लिखी हैं जो मैं आपको यहां अभी स्क्रीन पे लिख देता हूं। ये चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5A और सेक्शंस में वर्ड ऑफेंस यूज हुआ मिलेगा आपको, तो उसका मीनिंग क्या निकालें। तो क्लॉज 2 सेक्शन 40 आईपीसी कहती है कि वहां पर उन सभी बातों को ऑफेंस की कैटेगरी में शामिल करेंगे जिनको आईपीसी ने या स्पेशल लॉ ने या लोकल लॉ, भारतीय दंड संहिता ने, विशेष विधि ने या स्थानीय विधि ने पनिशेबल बताया है, चाहे कितनी भी पनिशमेंट क्यों ना लिखी गई हो। तो क्लॉज 2 का मीनिंग मैं उम्मीद करता हूं समझ आपको आ गया होगा। क्लॉज 3 में चैप्टर्स नंबर नहीं लिखे गए, वहां केवल कुछ सेक्शंस लिखी गई हैं, वो भी आईपीसी की सेक्शंस हैं, वो मैं यहां स्क्रीन पे आपको लिख के दे रहा हूं, आप ये देख लें, इनको नोट कर। जब जब इन सेक्शंस को आप आईपीसी में पढ़ेंगे, कोई भी सेक्शन आप उठा के देख लेना आईपीसी में पढ़ते समय, वहां पर आपको वर्ड ऑफेंस यूज मिलेगा, तो उस ऑफेंस वर्ड का मीनिंग क्या निकालेंगे ये बताती है सेक्शन 40 आईपीसी की क्लॉज 3। और वहां पे ये कहा गया है कि इन सेक्शंस में जब भी ऑफेंस वर्ड यूज आपको मिले तो उसका मीनिंग आप निकालेंगे केवल और केवल ऐसी बातें जो स्पेशल लॉ या लोकल लॉ ने पनिशेबल बताई है, और उनकी पनिशमेंट या तो 6 मंथ या 6 मंथ से ज्यादा की है, 6 महीने या 6 महीने से ज्यादा की पनिशमेंट बताने वाले ऑफेंस जो या तो विशेष विधि में हो या स्थानीय विधि में हो, वही बातें क्लॉज 3 में लिखी हुई सेक्शंस में ऑफेंस वर्ड के यूज होने पर ऑफेंस का मीनिंग निकलेगा। ध्यान देना, क्लॉज 3 में जितनी भी सेक्शंस आईपीसी की लिखी हैं, इन सेक्शंस में जब ऑफेंस वर्ड आप पढ़ें तो उस ऑफेंस में आईपीसी का कोई भी ऑफेंस शामिल नहीं है, और वो भी ऑफेंस शामिल नहीं है स्पेशल लॉ और लोकल लॉ के जिनमें पनिशमेंट लेस देन 6 मंथ्स है। तो आप क्लियर कट समझ जाएं कि ये सेक्शंस जो क्लॉज 3 में मेंशन की गई हैं सेक्शन 40 की, उनमें जब ऑफेंस वर्ड आएगा तो उसका मीनिंग होगा केवल और केवल वो बातें जो स्पेशल लॉ, लोकल लॉ, विशेष विधि, स्थानीय विधि ने पनिशेबल बताई है, और साथ के साथ उनमें पनिशमेंट 6 मंथ या मोर देन 6 मंथ हो, 6 महीने या 6 महीने से ज्यादा की हो। अब बचती है क्लॉज 1। अब समझ में आ जाएगी आपको क्लॉज 1। अब क्लॉज 1 सेक्शन 40 आईपीसी की ये कहती है कि जब जब वर्ड ऑफेंस या अपराध का प्रयोग ऐसी जगह होता है जो क्लॉज 2 एंड क्लॉज 3 में लिखे गए चैप्टर्स एंड सेक्शंस को छोड़कर कहीं दूसरी जगह अगर होता है ऑफेंस वर्ड का यूज, तब वहां पे मीनिंग क्या निकालेंगे, केवल और केवल उन बातों को आप अपराध माने वहां पर जो आईपीसी ने पनिशेबल बताई हैं, जो भारतीय दंड संहिता ने पनिशेबल बताई हैं, चाहे पनिशमेंट कितनी भी क्यों ना हो। तो इस तरीके से अगर आप सेक्शन 40 पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूजन के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सेक्शन 141 आईपीसी आप पढ़ें, बेयर एक्ट खोल लें, अभी खोलिएगा, और उस सेक्शन का जब सब सेक्शन 3 पढ़ेंगे तो वहां पर वर्ड यूज हुआ है ऑफेंस, उस ऑफेंस वर्ड का मीनिंग निकालकर बताइए आप
अगर आपने मेरी बताई हुई डेफिनेशन को ध्यान में रखा तो आप मीनिंग बता पाएंगे, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएंगे। कमेंट करके वीडियो में बताएं। अगर आपको लगा है कि सेक्शन 40 आईपीसी की डेफिनेशन आपको बहुत ही सिंपल वे में और बड़ी क्लियरिटी के साथ आपको समझा दी गई है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। चैनल को आप कंटिन्यू देखते रहें रोज, मैं इसी तरीके से सिंपल शब्दों में लॉ को आपको समझाने की कोशिश करता हूं।